परेशान है कि मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। कहां से आ रहे हैं डिस्ट्रैक्शन? कौन लेके आ रहा है? आप खुद लेके आ रहे हो डिस्ट्रैक्शन। यू आर मोर वरीड अबाउट द वर्ल्ड। आपको देखना है कि वहां क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, उसके लिए आप फेसबुक खोल रहे हो, उसकी न्यूज फीड देख रहे हो, आप यूट्यूब पे बैठे हो, अपनी एजुकेशनल छोड़ के बाकी हर तरह के वीडियो देख रहे हो। क्यों? और यूट्यूब तो है ये शैतान। आप एक वीडियो देख लोगे, है ना, एक्स वाई जेड कैटेगरी का, तो वो आपको 100 वीडियो और सजेस्ट कर देगा कि लो ए बी सी डी भी देख लो इसका। यू आर मोर इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स instead of being interested in what is lying inside you. तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? What was the भूल गए, उस रीजन को भूल गए। डिस्ट्रैक्शन सर, लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। डिस्ट्रैक्शंस बाहर के वर्ल्ड से आ रहे हैं, अंदर से नहीं आ रहा। अंदर से पॉजिटिविटी आ रही है, अंदर से काम करने का मन होना चाहिए। instead of being worried कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, शाहरुख खान ने क्या बोल दिया, विराट कोहली सचिन से अच्छा है कि नहीं, थैनोस अगली मूवी में क्या करेगा एंड ऑल दैट, इन सबसे बेटर है कि देखो अपने अंदर कि तुम्हें क्या करना था। डोंट बिकम एन ऑडियंस फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए ऑडियंस मत बनो, दुनिया के लिए एक कंज्यूमर मत बनो। Be a magician, be a wise man, be a seller. समझ रहे हो? ऑडियंस बनने के लिए नहीं आए हो तुम यहां कि ऑडियंस बन के ताली बजाओ सबके काम पे, वाह इसने क्या बोल दिया, वाह उसने क्या बोल दिया, वाह ये क्या बात हो गई। इसलिए नहीं आए अपन यहां पे, अपन को देख के लोग ताली बजाएंगे, इसलिए अपन मेहनत कर रहे थे। ये मत भूलो यार, तो अपने अंदर से पूछो मैंने ये काम स्टार्ट क्यों किया था। डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे अंदर है ही नहीं, डिस्ट्रैक्शन बाहर है। इस बात को समझो, इस बॉडी से बाहर है डिस्ट्रैक्शन, इस बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी है जो काम करना चाहती है। इस बात को रिपीट करो, अपने माइंड को याद दिलाओ जब भी अगल बगल की चीजें तुम्हें डिस्टर्ब करें। क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो इन डिस्ट्रैक्शंस में? क्यों? क्या मिलेगा? Don't become a consumer, don't become an audience. Consumer मत बनो, ये पूरी दुनिया सब consumer है, सब कुछ भी consume कर रहे हैं जो मिल रहा है। एक notification, एक share chat, एक TikTok का गाना, ऐसा ऐसा करके। पिछली बारी बताया था ना आपको नेपाल वाले वीडियो में, तेरी प्यारी प्यारी अखियां। उसी चक्कर में कई घंटों निकल गए, हाथ से पूरा टाइम छीन करके ले जाएगा आपका वो डिस्ट्रैक्शन। इस डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करो, अपने आप को डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए नियम बना लो, कुछ नियम बना लो। सोशल मीडिया दिन में केवल 15 मिनट, शाम को 8 बजे के बाद मोबाइल कभी छूंगा ही नहीं, सुबह 9 बजे से पहले केवल अपने ऊपर काम करूंगा, अपने आप को ट्रेन करूंगा, मोबाइल को टच भी नहीं करने वाला। आप मोबाइल को लेकर के DND लगा दो, डू नॉट डिस्टर्ब लगा दो, एयरप्लेन मोड का डिसिप्लिन ले आओ, एयरप्लेन मोड को प्रैक्टिस करो दिन में, कोशिश करो 24 में से 16 घंटे प्लेन मोड। अगर इस प्रकार की प्रैक्टिस बिल्ड कर ली, आ जाएगा कम समाधि का फोकस। आज मिल्खा सिंह ने यही किया, डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई किए, किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने दिया। फाइनल रेस से पहले पाकिस्तान में सामने वाले का कोच बोला, मिल्खा सिंह तुम्हारी आखिरी रेस साबित हो सकती है। क्या बोला मिल्खा सिंह? दौड़ूंगा भी वैसे ही। मिल्खा सिंह, यह आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उन्होंने सो कई बार डिस्करेज किया, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अब ना लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट हुआ, ना ओपोनेंट से डिस्ट्रैक्ट हुआ, भयंकर फोकस, जीत गया। तीसरा रूल मिल्खा सिंह का, रेज योर स्टैंडर्ड। एक अमाउंट क्या तीसरा लेसन, रेज योर स्टैंडर्ड। पहले मिल्खा सिंह जब रेस के लिए भागता था, बनियान निचोड़ता था मग्गे में, बाद में बनियान निचोड़ने लगा बाल्टी में। इतना पसीना निकाल दूंगा कि बाल्टी में निचोड़ूंगा, बदल दिया जी, मग्गे से पहुंच गया बाल्टी। रेज योर स्टैंडर्ड। आप आज जो भी कर रहे हैं, कम ऑन कीप इंप्रूविंग योर सेल्फ। प्रूव नहीं करना है, इंप्रूव करना है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कम ऑन, क्या कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट? रेगुलर प्रैक्टिस, सॉलिड डिसिप्लिन। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है, हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा नहीं है।
लड़ना पड़ेगा आपको। कपिल देव कहते थे सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, स्टेडियम पे होने का है। कम ऑन, क्या सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, स्टेडियम पे होने का है। लर्निंग बहुत बड़ी है। मिल्खा सिंह ने स्टैंडर्ड अपना ऊपर कर लिया, अपना स्टैंडर्ड चेंज किया। आपको भी स्टैंडर्ड चेंज करना पड़ेगा। और ब्रूस ली कहता था, मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके से किक चलाता है, लात मारता है। मुझे डर उससे लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है। उसकी किक जब पड़ेगी तो मैं गिर जाऊंगा। अरे आपको प्रयास करना है, या आप ही को करना है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। क्यों भरोसा करता है गियरों पर जब चलना है तुझको अपने ही पैरों पर। और एक बोलूशनरी आइडिया, लेकिन अगर आप वाकई में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप विद्या चाहते हैं, स्मार्टफोन त्याग दीजिए। आई नो आई एम टेलिंग यू रेवोल्यूशनरी थिंग। आपको शुरू शुरू में डिस्कम्फर्ट भी होगा थोड़ा सा, व्हाट्सएप की आदत, अरे वो फेसबुक। लेकिन काका जी अगर फेस के आगे बुक रखनी है ना, फेसबुक से टाटा वाया कर लो। ऐसा तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। मुझको याद है नया नया फेसबुक आया था तो मुझको कई लोगों ने बोला, अरे प्रभु जी आप भी आ जाओ फेसबुक के ऊपर, सब बड़े बड़े भगत लोग हैं इसके ऊपर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम भी फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं अपना। तो मैंने प्रोफाइल बना लिया अपना फेसबुक पे। अब ये अपलोड, ये डाउनलोड, उसका लाइक, इसका डिसलाइक, ये फोटो, उसकी इसकी फोटो, इसने उसकी फोटो देखी, ये अपलोड हुआ, ये डाउनलोड हुआ, किसने कमेंट किया, इसी में ही मेरी बुद्धि इतनी घूम गई थी। मुझको याद है कि 3 महीने जो है मैंने भगवद्गीता छुई भी नहीं। मैंने कहा भैया मोगलीला दास, ये अप्सरा तो फेसबुक के रूप में आ गई यहाँ पर, तका दिन की ये तो। मैंने 3 महीने यूज किया फेसबुक, उसके बाद फिर मैंने फेसबुक छोड़ दिया। अब मैं 2018-19 से मैंने एक बार अपना चेक किया था अकाउंट, उसमें 3,500 फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं। अगर मैं इन सबको एक्सेप्ट करूंगा ना, मैं सबको जिंदगी में कर पाऊंगा एक्सेप्ट स्टडिंग। बाय 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 3,500 फ्रेंड रिक्वेस्ट को बाय बाय। ऐसे फ्रेंडशिप होनी चाहिए ना, बजाय कि एक्सेप्ट रिजेक्ट, अरे बांगड़ू। तो इसीलिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट लाइफ के लिए कि इस तरह का जो मनोरंजन है इससे दूर रहें। ये जो ई मनोरंजन है, इसके बजाय जो है यू कैन गो फॉर अ वॉक, आप चलने के लिए जा सकते हैं, प्रोग्राम में आइए, कीर्तन करिए, डांस करिए, 5-10 मिनट आपने गीता पढ़ ली उस तरह से, ये करना अच्छा है, ये करना अच्छा है। लेकिन ये जो ई एंटरटेनमेंट है, अरे यूट्यूब पे 120 रुपये की मूवीज मिल जाती हैं, नेटफ्लिक्स पे लेटेस्ट मूवी मिल जाती है, अमेजॉन प्राइम वीडियोज पे वीडियो मूवी मिलती है, कितने की, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, लेटेस्ट मूवी HD हाईली डफर। तो इसीलिए भाई, तो फिर का बंदा कहाँ जाएगा, 120 रुपये क्या होते हैं, कुछ नहीं होता है, इससे महंगा तो बर्गर आता है। अरे कोई बात नहीं, एक बर्गर एक गड़बड़, दोनों मिल लिए सत्यानाश जिंदगी। तो इसीलिए ये ई एंटरटेनमेंट आपकी स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा ऑब्स्टेकल है ये, तो इसलिए इससे बचना चाहिए। स्मार्टफोन त्याग दीजिए अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं, विद्या अर्जन करना है ना। विद्या अर्जन बिना तपस्या के नहीं होता, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, विद्या अर्जन करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। और ये चीज़ जो है ये नशा है, नशा तपस्या को तोड़ देता है। अब जिन लोगों को नशा होता है ना वो तपस्या नहीं कर पाते, कैसा भी नशा हो, या ई नशा हो या किसी और का नशा हो, नशा जो है वो तपस्या को तोड़ देता है। और बिना तपस्या के आप विद्या अर्जित कर ही नहीं सकते, चाहे भौतिक विद्या आध्यात्मिक विद्या, दोनों के दोनों, ठीक है जी। तो इनसे बचिए, आपके लिए माया क्या है, स्मार्टफोन। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए आपने पूछा था, डिस्ट्रैक्शन का एक ही काट है, सांप का काट नेवला है, डिस्ट्रैक्शन का काट डिसिप्लिन है। जैसे डिसिप्लिन बिल्ड किया आप बच जाएंगे। कपिल देव क्या कहते थे, सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, स्टेडियम पे होने का है। सुबह 4 बजे उठना नहीं है, उठना और पहले है, 4 बजे तो स्टेडियम पे रहना चाहिए। आपको चाहिए फोकस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, आपको चाहिए डिसिप्लिन। ये कैसे आता है, भगवद गीता का एक श्लोक समझते हैं, अपूर्य मानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति यद्वत। समुद्र में नदियां प्रवेश करती रहती हैं, करती रहती हैं, करती रहती हैं, करती रहती हैं, समुद्र में नदियां प्रवेश करती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार आपके दिमाग में भी, मन में भी विचार प्रवेश करते रहते हैं। तद्वत कामा यम प्रविशंति सर्वे, सफलता उसको मिलेगी। स शांति मापनोति न काम कामी, शांति उसको मिलती है
जिसको कामना आई पर काम ही नहीं बना, विचार आया पर एक्शन नहीं लिया, नया नया विचार आया, ए इधर गेम खेलने, इधर मजा करते हैं, लड़की बड़ी प्यारी है, ऐसा अलग अलग विचार आएगा लेकिन एक्शन नहीं लेना। आपका डायरेक्शन में एक्शन बचा लेगा डिस्ट्रैक्शन। वन मोर टाइम, कम ऑन कम ऑन, डायरेक्शन में एक्शन खत्म करेगा डिस्ट्रैक्शन। बस ये याद रखना, एक और विचार आया, एक और विचार आया, शांति मापनोति न काम कामी, शांति उसको मिलेगी जिसको काम ना आएगी, न काम कामी, वो कामी नहीं बनेगा। जो भी विचार आया, हर एक विचार पूरा नहीं करना है, हर आइडिया पूरा नहीं करना है, सोशल मीडिया से बच के रहो, ब्रेन वॉशिंग हो रही है आपकी। आपको डिसाइड करना है ब्रेन वॉशिंग करानी कहां पे है। कुछ लोग करके दिखाते हैं, कुछ होते हुए देखते हैं, कुछ हैरान हो जाते हैं ये हो क्या रहा है। विद एवरी एक्सक्यूज यू गिव योर सेल्फ, यू चूज नॉट टू बी एक्स्ट्रॉर्डनरी। 5-6, 7.5 घंटा तक आदमी मोबाइल में बिता रहा है इस समय, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए एक्शन साइड डायरेक्शन पे लेना है। सोशल मीडिया ब्रेन वॉशिंग स्कैंडल है, इमोशन आपको ड्राइव ना करे, आप इमोशन को ड्राइव करो, आते रहो।